बात कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की करेंगे, जिन्होंने आज बतौर सांसद अपने संसदीय पारी की शुरुआत कर दी है। वायनाड से 4 लाख से ज्यादा मतों से लोकसभा उपचुनाव उन्होंने जीता है। प्रियंका ने आज लोकसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। खास बात यही रही कि प्रियंका ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ग्रहण की। जाहिर है पहले दिन प्रियंका ने संकेत देने की कोशिश की, संविधान की रक्षा का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया उस पर वो नई धार देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद परिसर पहुंची थी। संसद भवन पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो आज इस मौके पर बेहद खुश हैं। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है दो लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से? राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे, अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल है उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं वायनाड से आप चुन के आई हैं? कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए जो संविधान है जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता है और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। देखिए, पहली बात यह है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो उनके लिए प्रचार किया था, बहुत अच्छी उम्मीदवार थी, अच्छी तरह प्रचार की उसने और अभी चुनाव जीत के आई है बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ, 4.5 लाख वोट के साथ आई है, तो उनका हक है अभी जनता के लिए बोलने का हक, क्योंकि इतना वोट लेके आई है। मेरे ख्याल में वायनाड की आवाज, केरला की आवाज और बुलंद हो जाएगी हमारे पार्लियामेंट के भीतर। और ये भी मत भूल जाइए कि केरला से इतने ज्यादा MP नहीं है जो हिंदी में इतने अच्छी तरह बोल सके पार्लियामेंट के अंदर, तो मेरे ख्याल में अगर प्रियंका जी आके हमारे मुद्दों पर हिंदी में अच्छे भाषण दे दिए तो ये केरला के लिए भी अच्छा है, हमारी मजबूती ज्यादा बढ़ जाए।